हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी के मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बासुंदी, जिसे हम रबड़ी भी कह सकते हैं। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है काजू, पिस्ता, इलायची, जायफल और बादाम और सैफ्रन, और यहाँ पर मैंने हाफ कप शुगर ली है। बासुंदी बनाने के लिए आपको थोड़ा वक्त ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये मार्केट में होने वाली मिलावट से आपको बिल्कुल दूर रखेगा और सबसे ज़्यादा प्योरिटी की गारंटी के साथ हलवाई जैसी रबड़ी का मज़ा देगा। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 लीटर फुल क्रीम भैंस का दूध। ये दूध अभी हमारा कच्चा है, इसे हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे और उबालने के बाद फिर हम आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। दूध में उबाल आ गया है। जब तक हमारा दूध एक तिहाई ना हो जाए, तब तक हमें इसी तरह चलाते हुए और इसकी मलाई आजू बाजू से इस तरह खोइचते हुए इसे हम बनाएंगे। इसे स्लो फ्लेम पर ही उबालेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पर ये उबल के बाहर आ सकता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जायफल क्रश करके लिया हुआ है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमारा दूध उबलकर करीब एक तिहाई हो चुका है। यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट और इलायची को पाउडर कर लिया है। अब इसमें मिक्स करके इसे और भी थिक बनाएंगे। अब हम इसमें अपने सैफ्रन भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह चलाते हुए धीरे धीरे सैफ्रन अपना कलर छोड़ेगा और हमारी बासुंदी बहुत ही बेहतरीन कलर में आ जाएगी। अब मैं इसमें हाफ कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारी बासुंदी, हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। हमने 2 लीटर दूध लिया था और ये उबल कर करीब एक तिहाई बचा है। ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं और अच्छी तरह ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी बासुंदी, हमारी रबड़ी बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं कितनी देखने में कितनी आकर्षक लग रही है। तो आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए और प्योर घर की बनी हुई रबड़ी को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।